फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर करीब 41 करोड़ रुपए के बजट की 342 कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 14,000 लाभार्थियों को आवास की केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। इसी के साथ साथ वे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं व बीसी सखियों को सम्मानित किया। समूह के खाते में अलग अलग योजनाओं के तहत रुपए ट्रांसफर किए। वहीं अच्छा कार्य करने वाले कई ग्राम प्रधानों को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्मानित किया गया। वहीं महिलाओं के हाथ में तख्ती थी कि महिला जब तक पीएम मोदी हैं तब तक महिला धुआं मुक्त हैं। उज्ज्वला योजना की तख्ती लेकर पीएम मोदी की सराहना करती दिखाई दी भीड़ में महिला। वहीं इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करने के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां शुभारंभ किया, तो वहीं इस मौके पर महापौर व कई सांसद विधायक भी मौजूद रहे। 2014 से देश की जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया है। प्रयागराज भी एक ऐसा सौभाग्यशाली जनपद है जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास लगभग 2 लाख एक जिले में मिले, ये एक रिकॉर्ड है। चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वो गरीबी हटाओ का नारा दे सकते हैं और उसके बदले गरीबों को मिटाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो कभी गरीबी हटा नहीं सकते। हमारी डबल इंजन सरकार देश में माननीय मोदी जी, देश में माननीय योगी जी की अगुवाई में एक ही संकल्प है, हर गरीब के जीवन का दुख हमारा हो जाए और हम लोगों के जीवन का सुख गरीबों का हो जाए। इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर एक बड़ा हादसा टला है। जब जनरेट की ब्रेक फेल हो गई और बस जाकर डिवाइडर से टकराई और ऐसे में यात्रियों से भरी बस थी और एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। सिविल लाइन्स बस स्टैंड से बस भरकर जहां बनारस के लिए रवाना हुई, जैसे ही बस स्टैंड के बाहर निकली तो बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद गाड़ी असंतुलित हुई। ड्राइवर ने बचाव में बस को ले जाकर डिवाइडर से भिड़ा दिया, जिसके बाद बस रुकी और यात्रियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, सबसे बड़ी बात है कि बस चालक उल्टी दिशा में बस को लेके जा रहा था और बस स्टैंड के बाहर काफ़ी भीड़ होती है, ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था। और ये बड़ा हादसा अब टल गया है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बस ड्राइवर भी सुरक्षित है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से खाली कराई गई लूकरगंज जमीन पर, जहां योगी सरकार ने भूमि पूजन किया था और कुल 76 फ्लैट अब बनकर तैयार हो गए। रन रोगन का भी कार्य पूरा हो गया है, इसे भगवा कलर से रंगवाया गया। कुल 76 फ्लैट 1 BHK के बनाए गए हैं और जल्द ही आवंटियों को ये आवंटित किए जाएंगे। यहाँ पर कार्य अंतिम चरण पर है और जब डिप्टी सीएम से इस पर सवाल किया गया कि कब ये आवंटित किए जाएंगे लाभार्थियों को, तो उनका कहना था कि ये गरीबों के लिए था, कुछ भूमाफियाओं, दबंगों और गुंडों ने कब्जा किया था जिसे खाली करा लिया गया है और जल्द ही उन्हें दिया जाएगा, हमारी सरकार की यही योजना है। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। आवंटन होने जा रहा है, निश्चित तौर से आवंटन होगा, वो गरीब के लिए था, गरीब को मिलना चाहिए था, गुंडों ने, अपराधियों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, जो गरीब का हक है वो गरीब तक पहुंचे, यही तो हमारी सरकार की नीति। मुख्यमंत्री का बयान सौंपने के लिए अब देखेंगे, कार्यक्रम जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। 2024 चुनाव जहां नज़दीक है, ऐसे में यूपी से अखिलेश ने पीएम मोदी को अभी से चुनौती देना शुरू कर दिया है। अखिलेश की ये ललकार उस जिले खीरी से है जहां से उन्हें पिछले 3 चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। यहां से शुरू होने वाली बूथ लोक जागरण यात्रा से चुनावी अभियान में कितनी धार मिलेगी और साथ ही आम आदमी पार्टी और सपा के गठबंधन पर लोगों का क्या कुछ कहना है और किस तरह से ये मोदी सरकार को चुनाव में जहां चुनौती दे सकेंगे, आइए दिखाते हैं क्या कहना है प्रयागराज की जनता का। यात्रा के जरिए अखिलेश की ललकार में कितना दम लगता है? कोई खास को दम नहीं लगता है मोदी के आगे, और अखिलेश तो चुनाव के पहले हमेशा साइकिल रैली और रैलियाँ निकालते रहते हैं। क्या आपको लगता है अभी केजरीवाल आए थे और आप और
सपा में जो गठबंधन होगा उसके जरिए कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके पीछे वजह क्या लगती है? इसकी वजह ये है कि व्यापारी को हर मेल की सुविधा मिल रही है, तो व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ व्यापारी टैक्स लेता है, व्यापारी को सुरक्षा मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ व्यापारियों के लिए है कि सुरक्षा बहुत जरूरी होनी चाहिए, वो सुरक्षा इस सरकार में मिल रही है। परिचय बता रहे हैं, परिचय दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर एसोसिएशन प्रेसिडेंट के आगरा। देखिए, ये तो समय बताएगा और 2024 बता देगा। मोदी जी वापस रिटर्न जो है जा रहे हैं अपने निवास से, और जनता का रुझान जो आ रहा है, जनता का रुझान ये आ रहा हैगा कि मोदी हटाओ बेरोजगारी से। युवा बेरोजगार से एकदम त्रस्त हो चुका है। यूपी में आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस मिलकर अपने जो है अच्छे खासे चुनौती देते हुए लगभग जो है तो 80 से नहीं तो 75 सीट तो निकाल के लिए आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो पूरी तरीके से जो है फेल हो चुके हैं, क्योंकि अब जनता में उनका कोई क्रेज़ नहीं रहा। और अगर इनको कोई रोक सकती है वो तो है कांग्रेस की। जो लगता है आपको कि सपा और आप गठबंधन जो है बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी? देखिए, दोनों फेल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की राजनीति दूसरी तरीके की है, और यहाँ पे जो है ये दोनों, चूँकि इनकी जो है समाजवादी की लोगों ने गुंडई देखी है, समाजवादी से ये दो बार चुनाव लड़े पूरी तरीके से ये हारे हैं पूरी तरीके से। और ये दोनों फिर लड़ेंगे तो फिर जनता इनको दोनों को नकार देगी। इरशादुल्ला। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां लखनऊ में हुई हत्या पर कहा कि दोनों ही घटनाएं चिंता का विषय हैं, चाहे वो प्रयागराज की चाहे लखनऊ की, और इस पर लगातार पुलिस और सरकार दोनों सख्ती से कार्रवाई करेगी और इस तरह की आगे घटना ना हो इस पर पूरी ताकत लगाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और केजरीवाल की मुलाकात पर भी निशाना साधा है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि 2024 में ये सारे लोग गायब हो जाएंगे और एक तरफा भाजपा की जीत होगी। ऐसे में डिप्टी सीएम ने दोनों मामले पर दावा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, या तो अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी विलय कर रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी सपा में विलय कर रही होगी, लेकिन ये सब 2024 में मिलाए जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। इनको जनता ही नहीं कहीं टिकने देगी। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि 2014 में हम 73 सांसद जीते थे, और 2024 में 80 सीटें अगर भाजपा की झोली में आवें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। हमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के जीत का एकदम अस्पष्ट वातावरण दिखाई दे। इसकी सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है, और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी SIT गठित हुई है, उसकी भी जाँच हो रही है, और यहाँ इलाहाबाद की प्रयागराज की जो घटना है उस पर भी SIT भी है, आयोग भी है, पर जाँच चल रही है। जाँच का सच सामने आएगा, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाएगी, पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी, और समाज से भी मैं अपील करता हूं कि संदिग्धों पर वह भी नज़र रखें और पुलिस को सूचना दें और समय पर इस प्रकार की मंशा रखने वालों को पकड़वाने में मदद करें। नए यमुना ब्रिज पर जहां एक तरफ रिपेयरिंग का काम हो रहा है तो एक साइड से छोटे वाहनों के आवागमन के लिए खोला गया है, और साथ ही हैवी वाहनों का इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। मगर उसके बावजूद एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम पैसा लेकर कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर हैवी वाहनों को जाने देते दिखाई दे रहे हैं, और खुलेआम वसूली का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नियम कानून को ताक पर रखकर आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक चालकों से पैसा लेकर उन्हें नए यमुना ब्रिज के एकल रास्ते पर जाने दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की लापरवाही किस तरह से हो रही है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। अब इस पर देखना होगा कि आला अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं, जहां नियम कानून को ताक पर रखकर खुलेआम बस और हैवी वाहन ट्रक
अब खुलेआम जा रहे हैं और नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की होती है कार्रवाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।